कहा जाता है कि 326 बरस कबल मसीह सिकंदर आजम के साथ आने वाले ये सब्ज और नीली आंखों वाले यूनानी हिंदू कश की इन वादियों में वारिद हुए तो फिर यहीं के हो रहे। 2346 वर्ष पुराने मजहब को आज भी गले से लगाए बैठे हैं। इसी निस्बत से इस इलाके को काफिरस्तान भी कहते हैं। इसकी तीन बड़ी आबादियां बंबुरेत, रंबूर और बुरीर हैं। कैलाश लोगों का मजहब क्या है, ये किसे मानते हैं, इनके खुदा कैसे हैं, क्या ये नमाज पढ़ते हैं, ये अपने खुदा को कैसे राजी करते हैं, क्या ये काफिर हैं। ये फैसला करने से पहले मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने मजहब का दिया हुआ एहतराम आदमियत, मसावात और बर्दाश्त का सबक खुद पे तारी करूं कि कुछ फैसला कर सकूं। लेकिन मेरे जैसे नाकसुल अक्ल इंसान के लिए ये फैसला खासा मुश्किल है। लिहाजा चलते हैं कैलाश खुदाओं के पास। लकड़ी के ये मुनक्कश तख्ते कैलाश देवता हैं, जिनमें से हर एक को नस्ब करते वक्त 40-40 गाय कैलाश खुदा की राह में कुर्बान की गईं। इन देवताओं की शबीहों पर स्वास्तिका और कमल के फूल भी कंदा हैं, जिनकी हिंदू धर्म में बहुत अहमियत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ममासलत महज इत्तफाकिया है या इन दोनों मजाहब का आपस में कुछ तालमेल भी है। ये सवाल अभी तक मेरे जहन में तिशना है। इस कुर्बान गाह के बारे में दो अलफ लैलवी कहानियां मशहूर हैं। एक तो सिकंदर आजम ने अफगानिस्तान से एक तीर चलाया जो यहां आ गिरा, और दूसरी ये कि यहां 500 तलवारें दफन हैं। अब तीर यहां गिरा या नहीं और तलवारें यहां दफन हैं या नहीं, इसका जवाब तो आर्कियोलॉजिकल साइंस ही दे सकती है। कैलाश लोग अपने मजहबी त्योहारों पर अपने खुदाओं की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। कयास तो ये भी किया जा सकता है कि ये कोई 500 जंगजुओं की इज्तमाई कब्र हो जो इस घाटी में घात का शिकार हो गए। कैलाश आबादियों में घूमते फिरते जब आपको किसी इमारत के दरवाजे के दोनों जानिब लकड़ी के बने मारखोर के सर लगे हुए नजर आएं, तो समझ जाइएगा ये जश्टा खान है। ये बड़ा सा हाल तजियतगाह है। जब कैलाश लोगों में से किसी का इंतकाल हो जाए तो मैयत को यहां एक तरफ रख दिया जाता है और ताजियत के लिए आने वाले अफराद यहां एक तरफ बैठ जाते हैं। अगर मौसम सर्दी का हो तो यहां दरमियान में आग जला दी जाती है।
और अब हमारा सफर कैलाश रीत रिवाज के अफसुरदा पहलू से निकलकर शगुफ्ता पहलू की तरफ है। ये है वो जगह जहां हम कल कैलाश लोगों के साथ खुशियां बांटेंगे, समेटेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं।